हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप एक मेसो सप्लायर हो तो आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों मेसो ने यहाँ पर अपने सारे सप्लायर्स के लिए टू प्राइसिंग फीचर अपडेट किया है। दोस्तों आप मेसो के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उसे रिटर्न आने से अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था तो ये फीचर आपके लॉस को तो कम करेगा ही, साथ ही आपके रिटर्न्स को भी कम करने वाला है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि टू प्राइसिंग फीचर क्या है, कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हो और इसमें इनरोल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, तो जिस अपडेट की मैं बात कर रहा था अभी उसके साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ ये कौन सा अपडेट है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये अपडेट अच्छा लग रहा है और आपको इसमें रजिस्टर करना है तो कैसे आप मेसो टू प्राइसिंग में रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस इसका मेल मुझे 9th को मिला हुआ था, 9th फेब को देख सकते हैं मेल आया हुआ था। आपके भी रजिस्टर मेल आईडी पे ये मेल जरूर आया होगा, तो आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो इस अपडेट का नाम है मेसो टू प्राइसिंग। अब दोस्तों क्या हो रहा है मैं आपको सीधा बताता हूँ कि देखिए मेसो ने सेलर के रिटर्न्स, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रिटर्न सेलर के रहते हैं, और ये मेसो ने यहाँ पर एक नया फीचर सेलर के लिए एड ऑन किया है। अभी तक दोस्तों किसी भी मार्केट प्लेस में ये फीचर नहीं है और इन फ्यूचर हो सकता है आए, बट मेसो ने यहाँ पर सेलर्स के लिए लेकर आया हुआ है। अभी तक किसी भी मार्केट प्लेस में मैंने ये फीचर नहीं देखा है। अब गाइस देखिए, मेसो नाउ अलाउ ऑल आवर सप्लायर टू सेट टू प्राइस ऑप्शन फॉर योर प्रोडक्ट। अब आप जो भी प्रोडक्ट्स मेसो पे सेल कर रहे हो उसके लिए दो तरह के प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो। अभी तक क्या होता था, यहाँ पर हम एक प्राइस लगाते थे और उस प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर देते, बट मेसो एक पहला मार्केट प्लेस है जो अब आपको दो तरह के प्राइसिंग सेट करने का यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, करंट मॉडल क्या है कि कस्टमर के पास कस्टमर जो है कैन रिटर्न प्रोडक्ट फॉर एनी रीजन। कस्टमर के पास ऑर्डर जाता था, वो किसी भी कारण से उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता था, बट अब न्यू मॉडल में क्या होगा कि कस्टमर कैन रिटर्न प्रोडक्ट ओनली इफ द डिलीवर्ड प्रोडक्ट इज रॉन्ग और डिफेक्टिव। तो कस्टमर अब तभी रिटर्न कर पाएंगे जब उनके पास जो प्रोडक्ट पहुंचा है वो या तो रॉन्ग पहुंच गया है, कोई गलत प्रोडक्ट पहुंच गया है, या डिफेक्टिव पहुंच गया है। यानी कई बार कस्टमर क्या करते हैं, उनको कलर नहीं अच्छा लग रहा है या फिर उनको मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं। तो इस केस में वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ भी कुछ कंडीशन है, आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेसो ने बोला है कि आपका 50-60% जो ऑर्डर है रिटर्न्स है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट वाले वो सब कम हो जाएंगे। फिर आपको बोला है कि आपका लेस रिटर्न रहेगा तो कॉस्ट सेविंग रहेगा, और बोला है कि लेस प्राइस, अगर लोअर प्राइस में अगर आप सेल करोगे तो कस्टमर और ज़्यादा ऑर्डर देंगे। तो गाइज ये एक्चुअली होने कैसे वाला है, तो देखिए अब जैसे आप मेसो पे जब लिस्टिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि आप एक तरह का लिस्टिंग करते हो और उसमें एक ही प्राइस देते हो, मेसो का प्राइस कि इसमें आप कितना में सेल करोगे, एमआरपी कितना होगा। लेकिन अब आप दो तरह के प्राइस सेट कर पाओगे जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर पाओगे करोगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेसो में जब आप परचेज करने जाते हैं तो कोई एक आपको वहाँ पर प्राइस शो करता है कस्टमर को, और वो अब लेकिन यहाँ पर देखिए आपने मेसो ने एक सैंपल दिया है कि जब वो एड टू कार्ट सेक्शन पे होगा तो वहाँ पर उसे दो तरह के प्राइस शो करेंगे। एक दो देख सकते हैं सेलेक्ट रिटर्न टाइप, ठीक है, एक और नया ऑप्शन आएगा सेलेक्ट रिटर्न टाइप कि रिटर्न टाइप आपको कैसा लेना है। तो यहां पर दो तरह के उसे रिटर्न शो करेंगे। अगर कस्टमर को ऑल टाइप्स के रिटर्न्स करने हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचा उसमें कुछ मुझे कलर पसंद नहीं आया या उसका मटेरियल पसंद नहीं आया तो मैं रिटर्न कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का रिटर्न अगर मैं लूंगा तो मुझे यहां पर ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अब ये प्राइस आप खुद से सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां पर 420 आपको एग्जांपल शो कर रहा है, आपको जो प्राइस रखना है 480 रखना है 500 रखना है वो आप रख सकते हो अपने प्रोडक्ट का, कि मेरे कस्टमर के पास प्रोडक्ट गया वो किसी भी तरह का रिटर्न कस्टमर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक केस और होगा कि आप अपना रिटर्न चार्ज भी ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हो, कि आपको अब जैसे रिटर्न चार्ज अगर मान लीजिए 80 रुपीज लग रहा है तो आप 80 रुपीज और ऐड करके यहां पर शो कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन कस्टमर को शो करेगा वो है ओनली रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स, ठीक है। तो अगर कस्टमर के पास रॉन्ग प्रोडक्ट पहुंचता है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचता है तो ही वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन इसमें हाँ कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा, तो कस्टमर यहां पर डिस्काउंट ले सकता है। तो यहां पर कस्टमर के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का ही सिर्फ रिटर्न करे और डिस्काउंट लेके ऑर्डर करे, या फिर वो ऑल तरह का रिटर्न दे सकता है और वहां पर उसे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये नया फीचर जो है मेसो ने ऐड किया है अपने ऐप में सेलेक्ट रिटर्न टाइप,
तो रिटर्न टाइप में आप अपना प्राइस दे सकते हो कि आपका अगर ऑल टाइप का रिटर्न आता है तो आपका प्राइस कितना रहेगा, और अगर आपका प्राइस सिर्फ रॉन्ग प्रोडक्ट अगर या आप पहुंचा देते हो या फिर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपका ट्रांसपोर्ट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाए तो ही वो रिटर्न कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अब बात करें कि आप यहां पर कैसे इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको रजिस्टर करना है तो मीशो ने यहां पर आपको दो ऑप्शन दिए। फर्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर एक स्टार स्टार मार्क, पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार स्टार मार्क में मीशो ने एक मैसेज दिया है, तो यहां पर आपको क्या होता है कि देखिए मीशो कुछ खुद से ही आप कस्टमर को डिस्काउंट देगा। तो यहां पर दो ऑप्शन आपके लिए है, या तो आप मीशो को ऐड करने दीजिए या फिर आप खुद से कीजिए। तो अगर आपको खुद से करना है, सॉरी मीशो अगर खुद से करेगा तो देखिए यहां पर आप जो जो कैटेगरी में सेल कर रहे होंगे वो सारी कैटेगरी यहां पर आपको शो करेगा और वहां पर बताएगा अभी जो करंटली प्राइस में आप सेल कर रहे हो तो रॉन्ग रिटर्न में कितना परसेंट डिस्काउंट वहां पर दिखेगा, ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर कस्टमर को शो करेगा। तो जैसे अभी अगर जैसे दो कैटेगरी यहाँ पर सेलर के शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है नाइफ्स एंड नाइफ्स सेट। तो यहाँ पर इसमें अगर हम अगर 300 में अगर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो अगर रॉन्ग रिटर्न में क्या करेगा, 18% डिस्काउंट करके शो करेगा। यानी अगर हम 300 में अभी सेल कर रहे हैं मीशो में तो 18% उसमें डिस्काउंट कर देगा और यहाँ पर इस वाले प्राइस में शो करेगा रॉन्ग रिटर्न वाले में, और ऑल रिटर्न वाले में हमारा जो प्राइस है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो अभी हमें करंटली सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बात करें, एक और कैटेगरी है, जितनी कैटेगरी आप सेल करोगे यहाँ पर आपको शो कर देगा आपके मेल में। और जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि चॉपिंग में जो है वो 7% का डिस्काउंट वो देगा। तो यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए मैं अगर हमें 100 का सेल कर रहा हूँ तो 7% डिस्काउंट करके और यहाँ पर शो करेगा, बाकी जो प्राइस में सेल कर रहा हूँ वो ऑल रिटर्न में शो करेगा। अब गाइज आगे अगर बात करें कि आप कैसे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो तो दो ऑप्शन है। फर्स्ट, इफ यू आर एग्री विथ, अगर आप इस कंडीशन के साथ एग्री है जो मीशो शो कर रहा है तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इफ यू आर एग्री विथ रिकमेंडेड रिटर्न प्रीमियम परसेंटेज ऑफ योर प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके प्रोडक्ट कैटेगरी हिसाब से जो यहाँ पर मीशो ने दिया है, अगर आप इससे एग्री हो तो आप सीधा फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म है, यहाँ पर यस आई एम एग्री विथ, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप खुद से अपना प्राइस जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो एक फॉर्म ओपन होगा और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सो गाइस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर देने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद मीशो का आप अगर एग्री हैं तो आपने एग्री ही है इसलिए आपने फर्स्ट में गए हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी प्राइस आपने दिया है वो यहाँ पर हो जाएगा दिस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका एंटर हो गया है, ठीक है। अब वो कुछ टाइम के बाद शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर सेकंड टाइप का, जहाँ पर इफ़ यू वांट टू अपलोड योर ओन, अपना अगर खुद से प्राइस सेट करना चाहते हैं कि मेरा जो डिस्काउंट प्राइस है वो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जो है वो एक फॉर्म मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक पर क्लिक करिएगा। सेकेंड टाइप में हम देख रहे हैं जहाँ आपका खुद का जो प्राइस है वो होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सेल सीट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो एक्सेल सीट आप देख रहे हैं इसमें आपको नहीं फिल करना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक्चुअली एक गूगल सीट है और ये अनएडिटेबल है, देख सकते हैं व्यू ओनली है। तो इसको आप फाइल में क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक कीजिएगा। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन में आप इसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सेल शीट में जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह का सेम एक्सेल शीट आपका ओपन होगा डाउनलोड करने के बाद। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर देंगे। प्रोडक्ट आईडी आपको कहाँ मिलेगा, जब आप सेलर पैनल पर लॉग इन करेंगे मीशो में तो वहाँ पर आप इन्वेंटरी में जाएंगे तो हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी होता है, तो उस प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। देन आपका रॉन्ग रिटर्न, अगर मान लीजिए आपने 400 में से सेल कर रहे हैं और रॉन्ग रिटर्न में आपको कितना प्राइस देना है, ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग रिटर्न में मुझे मान लीजिए 380 रुपये देने, 20 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट देने, तो यहाँ पर मैं 380 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या, अब अगर आपको कई बार सेलर चाह रहे होंगे कि हमारा जो ऑल रिटर्न है उसमें प्राइस ज़्यादा शो करे, तो फिर आप टिकट रेज कर लीजिएगा और अपना प्राइस जो है वो इंक्रीज कर लीजिएगा। अब रॉन्ग रिटर्न में आपको जो भी डिस्काउंट देना है वो आप देखिए यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और फिल करके इस एक्सेल शीट को सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। और उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर फिर से मेल में आइएगा, देखिए ये जो लिंक है जहाँ पर अगर आप बात जाते हैं कि आप खुद से अपना प्राइस सेट करें, इफ़ यू वांट टू अपलोड योर उन स्लैट डिफरेंट रिटर्न
प्राइस फॉलो द स्टेप बिलो, इस पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब फॉर्म के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर देना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पर आप दे दीजिए। तो मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देना है आई वांट टू अपलोड माय ओन सीट, तो यहाँ पर आप करेंगे ओके करेंगे तो जो सीट आपने सेव किया है वो यहाँ से चूज करके अपलोड करके सबमिट कर दीजिए, आपका जो प्राइस है वो शो करना लग जाएगा। तो दोस्तों मीशो का ये अपडेट आपको कैसा लगा और इस अपडेट के बारे में आप क्या चाहते हो, कैसा ये अपडेट है और इस अपडेट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्यूरी है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल में मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।